अक्सर आता था जब कोई नहीं होता था। मेरे डैडी यहाँ से हैं और मुझे अभी बताया फूफी जी ने कि ताई जी ने कि मेरे डैडी यहाँ के फर्स्ट आर्मी ऑफिसर थे। मैं बहुत गर्व से वापस आया हूँ। आई लव यू, इतना प्यार मुझे ना हिंदुस्तान में नहीं मिलता, ये अलग है। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, मेरे मम्मी डैडी यहाँ पे जब आते थे ना उनके साथ आता था। थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम, बहुत लोग हैं जो मिलना चाहते हैं और मैं मिलूंगा। अरेंज कर, आजा भाई, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं चाहता हूँ कि तू, मैं चाहता हूँ वो कर, मैं गेस्ट हूँ यहाँ पे अपने घर पे। सर आप हुकुम कीजिए, आप हुकुम कीजिए सर। सुना कोई इन लोगों को डोगरी गाना? चल सुना। हाँ सुना भाई। अरे तू गाना सो इनका नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मम्मी डैडी से मैंने ना डोगरी इतनी सीख नहीं पाया। मगर आपको सुनाई दे रहा है पीछे? मैंने पहले डोगरी का जो मैंने पहली डोगरी की जो लाइन सीखी थी ना, वो इतनी कूल नहीं होगी। मैंने सीखी थी वो मुट्ठी दबाना, मुट्ठी दबाना, मुट्ठी दबाना, मुट्ठी दबाना, बॉडी 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 बॉडी। मुझसे लोग पूछते हैं आपको डोगरी आती है? शुरू वहां से की थी मेरे मम्मी डैडी की। एक बार मैं आर्ग्यूमेंट सुनता था, बहस हर माँ बाप की होती है। तो जब मेरी मम्मी मेरे डैडी से गुस्सा हो जाती थी, मैंने एक लाइन सुनी थी जिसका मतलब नहीं पता था। वो लाइन ये थी, आऊंगा लानिया सचुए मेरे पांखू देवा कछुआ। ये मैं सोचता था मगर ये गलत था। जिस जिसको आता है और वो बोलता है डोगरा तो गाने मेरे साथ एक लाइन। रेडी भाई? वेरी गुड। आपने राजमा चावल को मिस किया सर? भैया पीछे हो जाओ। मैं राजमा चावल कहाँ
पर ना हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात सर। एंड सर आपके जो सब फैंस कटरा में हैं, दर्शन देवी में हैं, सर मैं चाहता हूँ कि एक बार जय माता दी ऊपर सर आपकी तरफ से एक ये हो जाए। आपको पता है जब मैं हम छोटे थे मेरे दोस्त थे कभी हम अक्सर यहाँ पे वैष्णो देवी जाते थे, तो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है जोर से बात करने का। तो मैंने वहाँ पे पहली बार चीख मारी थी, किसी ने आवाज नहीं दी पीछे, मैं मारता हूँ चीख पीछे आवाज लगाएगा, बोल साचे दरबार की, जोर से बोलो सारे बोलो। जम्मू का मिजाज और कुछ महका महका सा है हाल, क्योंकि वापस आया एक अरसे के बाद जम्मू की धरती का लाल, द मोस्ट पैशनेट एक्टर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, द प्राउड डोगरा हु मेड बॉलीवुड मतलब हु मेड बॉलीवुड थ्रिल्ड विद हिज एक्शंस हिज मूवीज, नन अदर देन आवर ओन प्राइड, द मार्शल आर्टिस्ट, नन अदर देन द प्राउड डोगरा विदुत जम्वाल। विदुत सर, जम्मू के जितनी यूथ है सब आपको एड्रेस करती है सर, जिम्स में आपके फोटो है, लड़कियों के रूम्स में आपके फोटो है, तेरे को कैसे पता है सब बातें? सर मैं सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ, कैसे पता लड़कियों के रूम में फोटो है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दिखाओ कहाँ कहाँ है, आ जाओ कहाँ 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 है, हम भी देख लेना। हाँ कहाँ कहाँ लिखा जम्वाल, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये भी लिखा है। मैं इसका मुझे पता नहीं, मेरे तो यहाँ लिखा है जम्वाल में जम्वाल भाई। एक मैसेज, जर्नी आपकी सर सभी ने देखी है क्योंकि सोशल मीडिया में हम सभी आपको फॉलो करते हैं। विदु सर कितना मुश्किल था, संघर्ष भरा था आपका सर जो सफर है, क्योंकि विदु जम्वाल आज इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट है, वो विदु जम्वाल बॉलीवुड में कैसे किंग बना सर, हम ये जानना चाहते हैं। जम्मू का लोकल बॉय जो आर्टिस्ट बनता है वो आपको एड्रेस करता है, वो कैसे बने सर, क्या क्या तैयारियां करनी? उन्हीं के साथ रहो जो आपके सपनों में यकीन करते हैं, कोई भी हो चाहे दोस्त हो फैमिली हो, कोई ना कोई तो होगा जो आपके ड्रीम को बिलीव करेगा। अगर आपको कोई सर अभी आपका एक हमने सर सोशल मीडिया पे आपका मैसेज देखा कि मैं आ रहा हूँ आ जाओ, सर आपको पता है कि सर कितने मैसेजेस कितने कॉल्स आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आया, और मैंने भी सर फोन स्विच ऑफ कर दिया, जब तुम मुझे बचने मैं आपके साथ होस्ट करो तो भाई मैं अकेला जा रहा हूँ, टू बी वेरी फन। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे डोगरा स्टार के लिए जो सही मायने में दो डोगरा है, बच्चा
नहीं कोई बात नहीं, चेयर नहीं है, चेयर चाहिए। हाँ भाई, सर जम्मू के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आपने मुझसे वादा किया था ना, आप पीछे देखिए, आप पीछे देखिए, मीडिया के बिना आप पीछे को मैं हटाता हूं भाई, इनको कवर नहीं करना, अपने ऊपर गिर रहे हैं, फिर पीछे से लो, पीछे बनना चाहता है तो बेस्ट बनेगा। जब मैं एक्टर बनने के लिए निकला था, बहुत लोग थे नज़दीकी वाले जो बोलते थे कि मुश्किल है, बोलेंगे तो सही, बट ऐसे भी थे कई जो सपोर्ट कर रहे हैं, आज वापस इसीलिए आया हूँ तो थैंक यू बोलने के लिए। सर प्यार काफ़ी मिला है जम्मू के अंदर आपको, सोशल मीडिया की बात करूँगा, प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, जो आर्टिस्ट है उभारते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं अपने आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कितना जरूरी होता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बात करेंगे, सिमट के रह गया सीरीज और क्या कर रहे हो यार, कितना जरूरी है सोशल प्लेटफॉर्म को एडवांटेजेस जो है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना। सोशल मीडिया से आप अपने नज़दीकी जिनसे आप चाहते हैं उनसे भी मिल सकते हैं, जिनसे मुश्किल होता है मिलना उनसे भी मिल सकते हैं, सो आई थिंक बहुत अच्छा है, लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा वे कनेक्ट करने के लिए, क्यों नहीं। मुझे सोशल मीडिया में बहुत लोग मैसेज करते हैं और कई बार मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे मैं उनको नहीं भी जानता हूँ, प्यार देने में बहुत मज़े आते हैं। विद्युत सर आपसे एक सवाल, क्या आप जम्मू के युवाओं को अपनी प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए मौका देंगे? आप जैसे लोग ही नेपोटिज्म बढ़वाते हैं जिसकी बुराई होती है, बट 100% अब मैं वहाँ पे हूँ, लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म खराब है, कुछ खराब नहीं है, मैं करूँगा नेपोटिज्म, जिसमें टैलेंट है, जैसे मुझे किसी ने मदद की मैं जरूर करूँगा। मेरा ये सवाल है कि क्या जम्मू के युवाओं के लिए आप कोई प्रोडक्शन हाउस जम्मू के अंदर खोलना चाहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म आप जम्मू से है और आप किस तरह से जम्मू वाले उठ के आओ बॉम्बे, वो भी मेहनत होती है, आपको क्या लगता है घर पे बैठ के आपको उठाएंगे, मेहनत कब करेगा बेटा,
कहीं पे भी टैलेंट है मैं वादा कर रहा हूँ, अगर कहीं पे भी टैलेंट हो, ये जवाब नहीं सुनो। आप मेहनत करिए, ऑडिशन दीजिए, अगर आप में वो क्षमता है तो 100%। मैं पहली बार आया हूँ, अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अभी तक तो एक्टर था। ये सवालों का जवाब ये है कि मैंने कोई अलग जगह नहीं चुनी, मुझे स्विट्जरलैंड का ऑफर दिया गया था, मगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में आके अपनी पहली प्रोडक्शन शूट कर रहा हूँ। ये है जवाब मैम। 36 एक्टर जम्मू एंड कश्मीर के यूज किए। आपको पता है यहाँ पे आई थिंक 1970s 1980s में बहुत शूटिंग होती थी, उसके बाद हुई नहीं और थोड़ा बहुत दिखाया हमने। आई पी 1971 जो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जितनी सुंदरता मुझे दिखती थी मैंने सब दिखाई। यहाँ पे कोई हरीश डोगरा की तरफ से है, मेरे भाई हैं, वो अब रिसर्चर से हैं। सवाल पूछे सर, मेरा भाई है यार, वो थोड़ा यूज तो करना पड़ेगा। क्या सवाल है भाई? सर आईडी 71 जो मूवी है वो डिपेंड सब पीपल्स पे बनी है जी। वेट कर रहे हैं, हमें तो बोलना जरूरी है भाई। जो मेहनत नहीं करता है, मेहनत करने की क्षमता है तो डर नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है कि मैं रेगुलर बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ, मैं असली मार्शल आर्टिस्ट हूँ। दूसरी बात बता देता हूँ बेटे, मेरे मामा ने 1965 की वॉर में शहीद हुए, मैं नॉर्मल लड़का नहीं हूँ। जिसका मन है देखे, जिसका मन ना है देख ना देखे, अपनी मर्जी की करो यार, सबका दिमाग है अपना इस्तेमाल करो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए गाना गा दिया, अभी भी शर्म नहीं आती है? अरे तुम कौन हो भाई? अरे यार तुम लोग लड़ मत लेना। वेरी गुड, आए हैं यार दूर से आए हैं भाई, मतलब आई स्वेयर। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर हैं, जहाँ पे फौज खुश मैं वहाँ पे बहुत खुश, अपने देश की फौज बहुत खुश है इस समय। मैं मिलता रहता हूँ फौजियों को, ऑफिसर्स को, अच्छा लगता है मिलके यार। नहीं, बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं यार भाई, जो पूछना पूछोगे। बहुत टाइम बाद आया हूँ, मैंने आपको बोला कि मैं एक फौजी हूँ भाई, मैं कहीं पे भी जाता हूँ खुश रहता हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ पे आया हूँ। देख रहे हो, अभी भी सवाल पूछोगे? हाय भाई, फैंस
के लिए क्या कहेंगे आप? फैंस को जो बोलना था बोल दिया, और जो रुक रहे हैं उनके पास जा रहा हूँ मैं वापस। एक एक फोटो मंगवा भी नहीं जरूर हो सकता है, हो सकता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सबको, मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये क्या है वो क्या है, असली सवाल वो नहीं है, यहाँ की यूथ के लिए सवाल है, सच में मेहनत करो, सच में मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे ना ऊपर वाला बुलाएगा, दिस इज अ लिविंग प्रूफ। किसी की मत सुनो, बस लग जाओ जो सपना देखा है, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, मेरे पास नहीं थे, चाहे किसी को जानते हो नहीं जानते हो, मैं किसी को नहीं जानता था, बस लग जाओ मेहनत करने में, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये वादा कर रहा हूँ। मेहनत करो, एक ही मैसेज है जिसको बॉडी बनानी है मेहनत करो, और क्या बताऊँ, झूठ बोल दूँ? सर आपके ऐप्स देख ले, तू अपने दिखा पहले, तू दिखा दे, ये वाली बात हो गई यार, खुद दिखाना नहीं देखना है, अपने दिखाना तो बहुत दिखा है। पीछे पीछे